नमस्कार दोस्तों, एहसार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं एहसार और यहां पे हम लोग अनबॉक्स करने जा रहे हैं रियलमी एक्स, जो हम लोग ने रिसेंटली परचेस किया था फ्रॉम फ्लिपकार्ट, जो कि अभी इसके वेरिएंट्स है अवेलेबल इंडिया में, जो कि है 4GB रैम और 128GB इंटरनल एंड द 8GB रैम 128GB इंटरनल। तो हम लोग यहाँ पे अनबॉक्सिंग करते हैं। जो कि मैंने प्रोडक्ट परचेस किया था उसकी अराउंड प्राइसिंग है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ये हमें 17,634, तब हमें बलून सेल चल रहा था, इसकी वजह से 10% डिस्काउंट मिला था, अराउंड 1700 डिस्काउंट। अभी फ़िलहाल हमारे पास है 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला फ़ोन। तो हमें अनबॉक्सिंग करते हैं। यहाँ पे क्लियरली मेंशन आप देख सकते हो, ओप्पो मोबाइल्स ने इसको मैन्युफैक्चर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग। तो चलिए अनबॉक्स करते हैं हमारे रियलमी एक्स को बाय रिमूविंग द लैमिनेशन। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो ये हम लोग ने रिमूव किया ऊपर का कवर रियलमी एक्स का। अंदर देखते हैं क्या है स्पेसिफिकेशन और द प्रोडक्ट। बॉक्स के अंदर मिलता है ऊपर के साइड में एक छोटा सा बॉक्स, जिसमें फ्रीली प्रोवाइड किया है बैक कवर, जो कि ब्लैकिश कलर का यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। ये है मेन डिवाइस, जिसको रखते हैं हम लोग अभी फ़िलहाल के लिए साइड में। और अंदर बॉक्स के अंदर हमें और मिलता है ये एक चार्जर, जो कि फास्ट चार्जर सपोर्ट करता है, इसे भी हम लोग कुछ देर बाद देखेंगे, और एक टाइप सी कॉर्ड। तो अनबॉक्स करते हैं अभी ये ऊपर का बॉक्स, जिसमें दिया है बैक कवर और ये यूज़र गाइड, जो कि हम लोग साइड में रखते हैं। ये है फ्री प्रोवाइडेड रियलमी एक्स का बैक कवर, जो कि बहुत ही ट्रेंडी और गुड लुकिंग है। नीचे के साइड में उसको डस्ट प्रोटेक्शन दिया गया है और थोड़ा सा ब्लरिश लुक दिया गया है। कंपेयर हम लोग करते हैं अगर रियलमी 3 प्रो के साथ जो हमें कवर दिया गया था उससे। साथ ही में हमें मिलता है ये बुक का चार्जर, जो कि सेम वन प्लस जैसा दिख रहा है हमें फ़िलहाल। तो ये है फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड बुक 20W चार्जर, जो कि इनबिल्ट प्रोवाइड किया जाता है इस बॉक्स के साथ। इसका आउटपुट है 4 एम्पियर, ये अराउंड 80-90 मिनट्स में फुल मोबाइल चार्ज कर देता है। और ये है एक प्रीमियम क्वालिटी की कॉर्ड, जो कि सी टाइप है और नॉर्मली लॉन्ग लेंथ दी गई है इस फ़ोन के साथ, जो कि हमें यूज़र फ्रेंडली हो ये फ़ोन चार्ज करने के लिए। तो चलो रू करते हैं हमारे मेन डिवाइस की तरफ, जो कि लैमिनेटेड कवर में एनकोडेड है। उसके ऊपर क्लियरली लिखा है फिंगरप्रिंट सेंसर, जो कि इन स्क्रीन दिया गया है। तो चलो इसको अनकवर करते हैं और अंदर देखते हैं। बात की जाए तो स्क्रीन है 6.53 इंच वाला फुल व्यू डिस्प्ले वाला एमोलेड स्क्रीन, जो कि बहुत ही बढ़िया लगता है। पीछे की तरफ देखा जाए तो रियलमी के लोगों के साथ प्रीमियम लुक वाला ये प्लास्टिक का बैक पैनल है, लेकिन एक्चुअल में ये दूर से देखा जाए तो ये एक मेटालिक लुक देता है। साइड पैनल की बात की जाए तो राइट साइड में हमें स्विच ऑन ऑफ का बटन दिख रहा है। ऊपर की तरफ पॉपअप कैमरा है, जो कि 16 मेगापिक्सल का है। तो नीचे की तरफ हमें दिया गया है 3.5mm का हेडफोन जैक, जो कि लेफ़्ट साइड में है फ़ोन के, और उसके साइड में दिया गया है सी टाइप पोर्ट और उसके साइड में स्पीकर्स। ऊपर की तरफ देखा जाए तो 6.53 इंचेस का स्क्रीन, और पीछे के साइड में हमें दी गई है बैटरी, जिसकी प्राइमरी कैमरा दिया गया है इसमें 4,750 जो सोनी आईमैक्स 15 आवर्स का बैकअप देती है। इसके साथ हमें सेकेंडरी कैमरा दिया गया है, वो है डेप्थ कैमरा जो 5 मेगापिक्सल का है। अगर आपका बजट है 16-17,000, आई डेफिनेटली रिकमेंड टू गो विथ रियलमी एक्स, जो कि बढ़िया बैटरी, अच्छा एमोलेड स्क्रीन, उसी के साथ एक प्रीमियम लुक वाला पॉपअप कैमरा भी प्रोवाइड करता है। इस वीडियो के एंड में हम लोग अटैच करेंगे कुछ कैमरा सैम्पल्स। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। देखते रहिएगा हमारा यूट्यूब चैनल और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।